हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवि। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 सितंबर से लेकर 8 नवंबर तक यूएई में आईपीएल का आयोजन कराया जाएगा। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है महेंद्र सिंह धोनी की वापसी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है और खबर यह भी आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी भी जल्दी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी करीब एक साल से ज्यादा वक्त के बाद मैदान में नजर आने वाले हैं और आईपीएल का 13वां सीजन महेंद्र सिंह धोनी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स का मानना है कि आईपीएल के 13वें सीजन में महेंद्र सिंह धोनी का प्रदर्शन टीम इंडिया में उनकी वापसी को लेकर काफी मायने रखता है। उन्होंने कहा कि धोनी अगर सितंबर में शुरू हो रहे आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टीम इंडिया में उनकी वापसी हो सकती है। जोन्स ने साथ ही ये भी कहा कि कोविड-19 के कारण मिला ब्रेक पूर्व कप्तान के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जोन्स ने कहा कि इस समय तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय चयनकर्ता ऋषभ पंत और लोकेश राहुल के साथ हैं। अगर धोनी आईपीएल में अच्छा करते हैं तो वो टीम में आ सकते हैं, लेकिन आईपीएल में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता तो उनके लिए दरवाजे निश्चित तौर पर बंद हो जाएंगे। जोन्स ने कहा कि धोनी निश्चित तौर पर सुपरस्टार हैं, वो महान हैं। महान खिलाड़ियों के साथ मुझे हमेशा ये लगता है कि उन्हें वो करने देना चाहिए जो वो चाहते हैं। इस समय टीम केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ है, क्योंकि भारत की इस समय की सबसे बड़ी समस्या फिनिशर की है। आपके पास फिनिशर कौन है? हार्दिक पांड्या। एमएस धोनी ने आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम पिछले साल खेले गए विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ रखा था। तब से वो किसी न किसी नाम पर टीम से बाहर हैं। टीम के कोच रवि शास्त्री ने पहले कहा था कि धोनी का T20 वर्ल्ड कप टीम में चयन आईपीएल पर निर्भर करेगा। कोविड-19 के कारण हालांकि आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया था, जो अब फिर से होने जा रहा है, और कोरोना वायरस के कारण ही इसी साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप भी स्थगित कर दिया गया है। इस बीच बीसीसीआई गुजरात के अहमदाबाद में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में टीम इंडिया का कैंप लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कैंप में धोनी टीम इंडिया के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे? तो इसका जवाब होगा कि शायद नहीं, क्योंकि मोटेरा स्टेडियम में लगने वाले कैंप में बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ी ही अभ्यास कर सकेंगे और धोनी इस लिस्ट में नहीं है। अहमदाबाद स्थित विश्व के सबसे बड़े मोटेरा स्टेडियम में 110,000 दर्शक एक साथ बैठकर क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। मोटेरा में मैच खेलने वाली टीमों के लिए 4 ड्रेसिंग रूम है। इसके साथ ही दर्जनों कमरों वाला आधुनिक सुविधाओं से लैस क्लब हाउस भी है। टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप कब शुरू होगा, बीसीसीआई ने फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये प्रैक्टिस कैंप भी अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस बीच जब से आईपीएल का ऐलान हुआ है, तब से आईपीएल के होने से तो फैंस खुश हैं, साथ ही वो इस बात से भी खुश हैं कि धोनी की एक बार फिर वापसी होने जा रही है। सोशल मीडिया में एमएस धोनी को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद धोनी मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में धूम मचाने वाले धोनी ने आईपीएल में भी अपनी बादशाहत कायम की है। उन्होंने अपनी टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी कप्तानी में 3 बार चैंपियन बनाया है, लेकिन इस बार यानी आईपीएल 2020 चेन्नई सुपर किंग्स और एमएस धोनी के लिए खास रहने वाला है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब तक खेले गए 12 आईपीएल में एमएस धोनी के रिकॉर्ड की बात करें तो धोनी सबसे आगे ही नजर आते हैं। धोनी के नाम आईपीएल के इतने रिकॉर्ड हैं जितने किसी और खिलाड़ी के नाम नहीं है। आईपीएल के पहले सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते आ रहे महेंद्र सिंह धोनी विश्व की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को एमएस धोनी अब तक 3 बार आईपीएल का खिताब दिला चुके हैं। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी 190 मैचों की 170 पारियों में 42.21 की औसत और 137.85 के स्ट्राइक रेट से 4,432 रन बना चुके हैं। आईपीएल में धोनी के नाम 23 अर्धशतक हैं और उनका बेस्ट स्कोर 84 रन का है। तो आईपीएल का 13वां सीजन महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है और हमेशा की तरह उनके फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि धोनी इस अग्नि परीक्षा को भी पास कर लेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।